ठंडा लग रहा है तो आ उधर बैठ जाओ ना, मतलब कहीं और बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर 1-2 मिनट्स मोर। आई थिंक यश का आना बाकी है, 1 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं। विल स्टार्ट, ये बस गरिमा बाहर गई है, वो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं फिर। वो अच्छा ठीक है, वो वॉशरूम गई, ठीक है ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर गरिमा, या शी इज हियर, सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास हम लोग ने सीखा अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वेरिएंस फ्रेमवर्क एंड हाउ इट ऑपरेट्स एंड इट्स अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका एफ आर एम में बहुत साथ देगा, विच इज़ वी ए आर, वैल्यू एट रिस्क। नाउ जैसे नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, ये हम लोग को बताता है कि हम लोग का एक्सपोजर कितना है। तो जब भी हम लोग वी ए आर निकालते हैं, इसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो टर्मिनोलॉजीज या पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम पीरियड। ये दोनों जब तक नहीं दिया हुआ है तो वीएआर का कोई मतलब नहीं है, निकलेगा ही नहीं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वीएआर। अब वैल्यू एट रिस्क होता क्या है? वीएआर को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। सपोज इसको हम लोग एक बार अज्यूम कर लेते हैं 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और टाइम पीरियड हम लोग 1 ईयर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वीएआर आपको बता रहे, ध्यान से सुनना, वीएआर आपको बता रहे है आई एम 95% श्योर कि मेरा लॉस, और वीआर एक वीआर सपोज 1 मिलियन आया है, डॉलर 1 मिलियन है,
तो आई एम 95% श्योर कि मेरा लॉस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, लॉस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, ये माइनस होगा। और या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम 5% कॉन्फिडेंट कि 1 मिलियन से ज्यादा लॉस होगा, दोनों वैलिड है ना। चार्ट स्क्रीन, डू यू गाइस अग्री? यस, पूजा सेज। तो इसको दो तरीका से सोचने का है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एट गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। या मिनिमम लॉस एट गिवन 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो अब सपोज 1 ईयर है और 95% दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम नॉट 1 ईयर, इसको ले लेते हैं 95%। हाँ एक चेंजेस करो फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, इसको 99% कर दो। और इसको इसको क्या करें, इसका इसको 100 डेज कर दो, 100 डेज। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि 100 में से 99 डेज हम लोग का लॉस 1 मिलियन से कम होगा, पर एक दिन ऐसा आएगा जो हमको ले डूबेगा, 1 मिलियन से ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी आर यही है, इसका बेसिक मतलब भी यही है क्या, कि गिवन टाइम पीरियड गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे कितना लॉस हो सकता है। अब अगर हम लोग, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक पैरामेट्रिक मेथड विच इज डेल्टा नॉर्मल वी ए आर। डेल्टा नॉर्मल वी आर के लिए समझने के लिए हम लोग वापस से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो वी आर जब हम लोग बोल रहे हैं 95% वी आर, 99% वी आर, तो यहाँ पे कहीं कट आउट होगा, यहाँ पे ये 99% है, यहाँ पे ये 1% है ना, यहाँ पे कहीं वी आर लाई करेगा। ये म्यू है, ठीक है, यहाँ पे कहीं वी आर लाई करेगा 1%, जो 1% यहाँ पे होगा, मतलब इससे ज़्यादा लॉस का चांसेस 1% है, इससे ज़्यादा लॉस का चांसेस। और यही यहाँ ये इसी को बोलते हैं टेल रिस्क, टेल में जो नुकसान है। पूछा तो वहाँ क्वेश्चन था टेल रिस्क क्या होता है, टेल रिस्क यही होता है, वी आर टेल रिस्क बताता है कितना नुकसान हो सकता है। बट वी आर का एक डिसएडवांटेज है, ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब वी आर कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा नॉर्मल वी आर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, म्यू
माइनस z इंटू सिग्मा, ठीक है, z तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, z स्कोर जो लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग, है ना, z उससे आ जाएगा, z हमेशा दिया हुआ ही रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आप बोलेगा टेबल से निकाल लो, 95% z का है शायद 1.65 होता है, तो दिस लेवल इज 1.65। नाइन्टी नाइन का कितना था, मेरे को याद नहीं है, 99% का, एक मिनट, 95% इज 1.65, 1.96 होता है, ये 1.96 है, ठीक है, कि इतना सिग्मा दूर है, 1.96 सिग्मा दूर है ना, वो 0.5 है और वो 2.5 है, तो ये 2.33 होगा, ठीक है, रहने दे रहने, 2.33 होगा फिर, वो 2.57 है तो, ठीक है, ये 2.33 है, क्योंकि यहाँ पे 1% हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 99% देख रहे हैं, तुम जो बोली वो दोनों साइड कटा हुआ था, कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो, राइट, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है, हम लोग दोनों साइड काटते हैं, यहाँ पे भी काटेंगे, यहाँ पे भी काटेंगे, तो जब 99% जो तुम देखी, तो वो तो तुम देखी 0.5 का और यहाँ पे 0.5 का, है ना, तो 0.5% में तुम बोली 2.57 है, और तुम 95% में बोली जब 2.5 कटा है, तो वहाँ पे 2.5 और 2.5 कटा हुआ है, तो उसके लिए वो तुम बोली 1.96 है, तो उसके बीच में एक ही बहुत नामी टर्म है 2.33, तो हम उससे गैस कर लिया कि ये 1% ही हो, या 1% पे 2.33 होगा, चलो ये नहीं भी होगा यहाँ पे, तो मैथ इज नॉट अ कंसर्न राइट नाउ, चलो मैं गलत भी हुआ, 2.33 नहीं है, तो मैथ इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल राइट नाउ, तो ये 2.33 सिग्मा दूर है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव से, यहाँ पे अगर जीरो होता तो ये 2.33 दूर है, 2.33 स्टैंडर्ड ये SD, तो ये चीज हो गया तुम्हारा 2.33 यहाँ पे एट 99%, बट हम लोग का तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम लोग का सिग्मा भी कुछ है जो 1 नहीं है और म्यू भी कुछ है जो 0 नहीं है, तो इसीलिए इसको z को ये 2.33 को हम लोग बोलेंगे तुम हम लोग का सिग्मा से बढ़ जा, कितना बढ़ जा, सपोज 2 है, ये 2% बढ़ जा, और फिर बोलेंगे हम लोग का तो 0 भी नहीं है, अगर 0 होता तो ये आंसर हो जाता, बट म्यू भी कुछ है, तो म्यू में सपोज आ गया 5, तो ये जो परसेंट निकलेगा फिर ये होगा VAR, वैल्यू एट रिस्क, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो भैया क्या आप गलत कर रहे हैं, नहीं, वैल्यू एट रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यही हुआ कि 99% चांस है कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट इतना तो होगा ही, मैक्सिमम लॉस या मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस या मिनिमम प्रॉफिट एक ही बात है, मैक्सिमम लॉस इक्वल्स टू मिनिमम प्रॉफिट, खाली प्लस माइनस का बात आ जाता है, और 1% चांस है कि प्रॉफिट इससे नीचे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कंसर्न नहीं होता है यहाँ पे, अभी इस सम्स में पॉजिटिव आ सकता है, आ सकता है, बट इन फ्यूचर तुम लोग देखोगे वी आर एज अ लॉस ही लिखते हैं हम लोग, जब और समझोगे, तो 0.44% VAR आया सपोज, अब ये 0.44% है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, हम लोग का एसेट वैल्यू कितना है वो दिया हुआ रहेगा ऑब्वियसली, पोर्टफोलियो वैल्यू, तो ये इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा, तो ऐसे निकलेगा VAR इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो अल्टीमेटली इसका क्या फॉर्मूला हो गया अगर हम लोग देखें तो, VAR इक्वल्स टू म्यू माइनस जेड इंटू सिग्मा इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू, है ना,
ये थ्रू पैरामेट्रिक मेथड निकल रहा है, इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, डेल्टा नॉर्मल मेथड बोलते हैं इसको। डेल्टा क्यों बोलते हैं वो सेकेंड चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं घुस रहा हूँ। VAR क्लियर हुआ सबको? ओके ग्रेट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये लोग बताया कि, और हमेशा देखना VAR अगर हम लोग लॉस के टर्म्स में देखें, लॉस के टर्म्स में ठीक है, तो ऑब्वियसली 99% VAR जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा 95% VAR से, जनरल बात है, क्योंकि 95 1.65 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 2.33 से। मैथमेटिकली सोचो या रियलिटी में भी सोचो कि मतलब कंसेप्चुअली अगर सोचे तो ऑब्वियसली 5% जितना लॉस हो सकता है, 5% चांसेस जिसका है, तो वो लॉस तो हमेशा छोटा ही होगा ना, 1% जितना लॉस हो सकता है ना। बड़ा लॉस मतलब लेस प्रोबेबिलिटी, ये अज्यूम करते हैं। तो वी आर इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ये कॉन्फिडेंस लेवल। अब हम लोग वी आर समझ गए, हम लोगों को कैलकुलेट करना आ गया। अगर एक न्यूमेरिकल यहां पे तुम लोगों को सूट करेगा तो एक न्यूमेरिकल लिख लो, श्वाइजर का ही, या छोड़ो लिखने का दरकार नहीं, श्वाइजर में दिया हुआ है, तुम लोग वो फॉलो करेगा तो इजी है एकदम। क्या दिया हुआ है वो कॉपी में मत लिखो, बेकार का एक्सटेंड होगा नोट्स। 100 मिलियन का पोर्टफोलियो वैल्यू है, इसको वी ले रहा हूं, यहां लिखा बोला है 95% VAR निकालो, इसका Z हो गया 1.65 दिया हुआ है, बढ़िया बात है। और क्या दिया हुआ है, 1 वीक म्यू है 1.88% था ना, 1.88% और सिग्मा है 1.25%। सिग्मा है, तो इसको निकालते हैं क्या होगा, 1.88% माइनस 1.65 इंटू 1.25% ठीक है, इंटू वी हो जाएगा, ये इंटू वी दैट इज दिस वन। तो ये क्या आया बताना सर, ड्राइवर गरिमा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है। नहीं नहीं तुम खाली वो परसेंट बताना एक बार, 1 मिलियन 100 मिलियन बाद में करेंगे, छोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो 1 माइनस 1.8745% आएगा इंटू 100 मिलियन करना है इसको, तो ये हो जाएगा -1.8745 मिलियन। ठीक है, क्या 1.65 है ये, 3 नहीं है। हाँ जीरो पॉइंट 0.0125। देखो तुम लोग ये डेसिमल और परसेंट में कंफ्यूज मत होना, या ये पूरा कैलकुलेशन परसेंट में है तो इसको पूरा कैलकुलेशन परसेंट में कर दे, लास्ट में डिवाइड बाय 100 कर देना, नहीं तो डेसिमल में कर रहे हैं तो पूरा कैलकुलेशन डेसिमल में करो, दोनों चीज में मत जाओ। अगर हम लोग परसेंट से करते हैं तो सीधा 1.65 इंटू 1.25 प्लस माइनस प्लस 1.88 0.1825 आया,
तब श्वाइजर में गड़बड़ है फिर, श्वाइजर वाला गलत लिखा हुआ है फिर। क्या आप बुक बनाते हैं लोग? तो 0.1825 ये क्या है? परसेंट है राइट। तो दिस इनटू दिस हो जाएगा 0.1825 मिलियन, सीधा मिलियन लिख दो ना। इतना बड़ा गड़बड़ कैसे करके दिया है? ओ 0.188% है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर लिया। तो ये एक कैलकुलेशन था वीआर का। अब वीआर तो देख के मज़ा आ रहा होगा कि वाह भाई ये लॉस पता चल गया, पर वीआर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हाँ ये तो बता दिया कि आपका 1% है, इतना लॉस होगा, पर कितना होगा भाई बता तो सही, कितना दूर जाएगा? एक एक मिलियन के बाद तो भाई 50 मिलियन भी जा सकता है, 100 मिलियन भी जा सकता है, वो कौन बताएगा? वो वीआर नहीं बताएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वीआर का यही है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस नहीं बताता है, ये खाली बताता है लॉस कहाँ कितना किससे ज़्यादा हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी बताता है, ये नहीं बताता कितना हो सकता है। उसके जगह आता है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, पर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल करने से पहले हम लोग वीआर का और लिमिटेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वीआर उससे ख़त्म हो जाएगा फिर। तो वीआर का एक और लिमिटेशन है, बेसिक्स है, बुक में दिया हुआ है, ये जो होल्डिंग पीरियड हम लोग ले रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल ले रहे हैं, ये तो कोई भी कुछ भी ले सकता है। हम बोलेगा हम 1 वीक लेगा, गरिमा बोलेगी हम 1 साल लेंगे, पूजा बोलेगी हम 2 साल लेंगे, शिवम बोलेगा नहीं नहीं हम भैया हम 10 साल लेंगे। स्क्रीन तो यहां पे तो क्लियर है, गरिमा भी बोल रही है क्लियर है, शिवम एक मिनट मैं देख रहा हूँ गरिमा का, मेरे इसमें तो ठीक है आप। ये शायद नेट इशू है शिवम, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ और उससे हेल्प हो तो ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? होल्डिंग पीरियड एंड कॉन्फिडेंस लेवल, ये तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, तो ये बहुत आर्बिट्ररी है। क्या है इंग्लिश टर्म? आर्बिट्ररी, बिना सड़पाओ का कोई कुछ भी ले सकता है, आर्बिट्ररी का मतलब। और बहुत ही वो है, सिंस पैरामेट्रिक मेथड है, एक मॉडल यूज हुआ है वीआर निकालने के लिए, तो मॉडल डिस्काई गई कि मॉडल गलत डिफाइंड है ना, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मॉडल बनाते वक्त गड़बड़ हो गया, मॉडल बेसिस रिस्क नहीं है, बेसिस रिस्क अलग होता है, बेसिस रिस्क तब आता है जब तुम्हारा वो अंडरलाइंग सेम नहीं है तुम्हारा डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग और जो प्रोडक्ट तुम हेज कर रही है वो सेम नहीं है, तब बेसिस रिस्क आता है, तो नॉट बेसिस रिस्क, मॉडल रिस्क होता है, तुम्हारा मॉडल गलत डिफाइंड है, तुम मॉडल गलत ही यूज़ कर रहे है, तुम जब मॉडल बनाया तब कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ये सब मॉडल रिस्क आता है। और एक है इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, मॉडल यूज जब मॉडल यूज कर रहे हैं, मॉडल तो सही है, पर तुम लोग जब मॉडल यूज करना स्टार्ट किया तो इम्प्लीमेंट कुछ गलत कर दिया, पैरामीटर्स गलत ले लिया, कहीं कुछ भी, मतलब कहीं भी कुछ भी डाल दिया, आर्बिट्रेरी नंबर्स डाल दिया, या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन रिस्क हो सकता है, इसमें पैरामीटर रिस्क भी आ गया, तो बस इम्प्लीमेंटेशन वर्ड ही तो वो है कि मतलब करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया।
मॉडल को कंप्लीट नहीं होने दिया, उससे पहले रिजल्ट तुम लोग देखने लग गया तो मॉडल कुछ मिसस्पेसिफाई कर दिया, कुछ भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। तो ये सब है, एक की मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, ये दोनों आर्बिट्ररी है, और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, मैग्नीट्यूड का इशू, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस का इशू। तो फिर बोला है कि सपोज सपोज मेरे को एक दिन का सिग्मा पता है, सिग्मा निकाला हुआ है, वन डे सिग्मा, मतलब वन डे रिटर्न्स था, सिंगल डे, कल का रिटर्न, आज का रिटर्न, परसों का रिटर्न, ऐसे 500 दिन का रिटर्न था, तो उसमें उससे जब हम लोग सिग्मा निकाले तो वो वन डे सिग्मा आया। तो अब इससे हम लोग को एनुअल उल्टा एनुअल सिग्मा निकालना है, तो क्या करेंगे, सिग्मा वन डे को क्या करेंगे हम लोग, किस इनटू करेंगे, किसी को पता है भैया कराए? ठीक है, तो इस सिग्मा को एक्सपैंड करने के लिए हम लोग करेंगे इससे इनटू रूट ओवर टी। एनुअल सिग्मा निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ डेज, वन डे है तो एनुअल में एक साल में कितना डेज होता है वो करते हैं। अब एनुअल में तुम लोग बोलेगा 365 डेज होता है, बट बहुत जगह, मतलब बहुत जगह क्या, FRM में एनुअल नंबर ऑफ डेज को हम लोग शायद 252 या 250 मानते हैं, ये दोनों में से कोई नंबर्स है, क्योंकि वर्किंग डेज ही लेते हैं। मार्केट तो 5 दिन खुला होता है, हर दिन तो खुला नहीं होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, तो जिस जिस दिन मार्केट खुला होता है उसी को वर्किंग डेज को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो इसको एनुअल करने के लिए सिग्मा इंटू रूट 252 करेंगे। अब अगर एनुअल दिया हुआ है तो सिग्मा बाय 252 हो जाएगा, है ना, एनुअल से वन डे में कन्वर्ट करना है तो। ये जो रूट टी का कंसेप्ट है ये जरूरी है याद रखना, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चंस घुमा के देगा, तुम लोगों को बोलेगा कि वन डे VAR इतना है, वन डे रिटर्न इतना है, अब एनुअल वन डे सिग्मा इतना है, वन डे रिटर्न इतना है, तुम लोग मेरे को एनुअल VAR निकाल के दो, पर रिटर्न्स को मल्टीप्लाई बाय रूट टी नहीं करना है। रिटर्न्स या तो सिंप्लीफिकेशन में या तो सिंपल मेथड से निकलेगा, या एरिथमेटिक मीन मेथड से निकलेगा, या ज्योमेट्रिक मीन मेथड से निकलेगा, वो तुम लोगों का चॉइस रहेगा। जहाँ तक है कि मतलब वन प्लस सपोज रिटर्न है आर, टू टी पावर 252 का माइनस वन करें, या वन प्लस आर इंटू 252 करें, सीधा वन प्लस नहीं होगा यहाँ पे, आर इंटू 252 करें। ये चीज इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये सब कैलकुलेशन बाद में आएगा, तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ, या तो इसमें आएगा नहीं तो या कहीं कहीं और आएगा। मेन हम लोग को जानना था ये चीज, सिग्मा इनटू रूट टी करते हैं, क्लियर? अब ये लोग इसमें ज्यादा बुद्धि, तुम लोग बोला कि तुम लोग और बुद्धि लगाओ इसमें, तो क्या किया, इसको बोला कि सपोज जब मीन जीरो होता है, मीन जीरो हो सकता है किसी का, तो VAR क्या होगा? हाँ, नेगेटिव तो होगा, पर उसका फॉर्मूला क्या होगा, जेड इंटू सिग्मा सिर्फ माइनस। तो बोला कि उसके VAR भी इंटू रूट टी से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, माइनस जेड, ये सपोज डे का था, अब यहाँ पे एनुअल निकालना है तो सिग्मा डे इंटू रूट टी कर देंगे,
तो सिर्फ रूट टी वी आर को इंटू रूट टी भी कर सकते हैं अगर मीन जीरो है तो ये बोला यहां पे तो ये था वीआर का डिस्कशन। कोई डाउट? शिवम एकदम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा क्या? मतलब दिख ही नहीं रहा तेरे को कुछ? सो हम लोग एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में आ जाते हैं। चलो वी आर में आ जाते हैं। किसी को डाउट है? एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल वीआर। आ रही है, और इसको शायद टेल वीआर भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टेल लॉस, एक्सपेक्टेड टेल लॉस, और इसको टेल वी आर भी बोलते हैं, पर वो दिया हुआ नहीं है कोड में, छोड़ो। ये दोनों बोलते हैं, पर ये होता क्या है? एनी आइडिया? लेटर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है शिवम, तुम फॉलो कर ले जितना हो पा रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद तेरे साइड से कोई इशू है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वी आर वॉज दैट इट डजेंट टेल एनी थिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस आफ्टर वी आर लेवल इज क्रॉस्ड। सो एक्सपेक्टेड लॉस टेल्स अबाउट दैट मैग्नीट्यूड। इट इज द लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस गिवेन वी आर लेवल हैज रीच्ड, वी हैव ब्रीच द लेवल ऑफ वी आर। Now, it is a given thing. और जहां given आता है वहां पे हम लोग ने पढ़ा था ये conditional निकल गया। It is conditional that VAR level has been breached. That is why it is named as conditional VAR. Okay? और shortfall risk, expected shortfall, shortfall risk, कुछ भी बोल लो। ये clear हुआ? ये बताता है ये वी आर लेवल है, तो यहां पे जो लॉसेस है, हाँ यहां पे जो लॉसेस है ये कितना है इसका एवरेज, और ये जो एवरेज है दिस इज नॉट वेटेड एवरेज, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल नॉर्मल एवरेज लेता है, जो भी है डिवाइड बाय ये उतना नंबर्स। दिस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, और एवरेज, ये एवरेज जो है दिस इज गिवन वी आर हैज रीच्ड, तो नीचे probability loss is greater than VAR, ऐसे इसका interpretation है। ये formula नहीं है ना, ये ऐसे आएगा। मैं बताऊंगा इसका जो formula है, थोड़ा बेचीदा formula है, पर इसमें बताऊंगा 1 minus ये probability of law breaching VAR कहाँ include हो रहा है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा जहां तक है। तो this is expected shortfall, yes, expected loss is always greater than VAR, because VAR level अगर ये 1 million है
तो इसके पार 1 मिलियन के पार का लॉस देख रहे हैं, तो दैट इज 2 मिलियन ऑफ लॉस, 3 मिलियन लॉस, 4 मिलियन लॉस, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी ए आर। पूजा अब इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है निकालने का थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही गंदा फॉर्मूला है। तुम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद है? इसका एफएक्स क्या था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, करवाया हुआ है? हाँ भूलना ठीक है, नॉर्मल है, करवाया हुआ है ना। 1/√2π ((1)σ)(e^2) दिस जेड इज क्या था, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ये फॉर्मूला नहीं कराया हुआ है? तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज हम लोग अगर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेस देन एक्स, तो म्यू दिया हुआ रहता है, सिग्मा दिया हुआ रहता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेस देन एक्स, तो हम लोग को सिग्मा पता होता है, हम लोग को म्यू पता होता है, हम लोग को सिग्मा पता होता है, हम लोग को पाया पता होता है, 22/7 होता है, तो सब तो पता है। तो ये एक नंबर देगा, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये एफ एक्स है। तो ये चीज हम लोग का एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में कैसे यूज हो रहा है? एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, म्यू पता है, प्लस ये टैब मैं एक बार हाथ में ले रहा हूँ, सिग्मा इंटू (e^2)/(2), ठीक है, माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, हाँ माइनस कर लेना, पाई √2π, ना। अब इसको कंडीशनल करने के लिए हम लोग को, हम लोग एक चीज करते हैं कुछ भी कंडीशनल करने के लिए, डिवाइड बाय 1/(x-x), वेयर दिस एक्स इज कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यार, तुमको दिक्कत होगा नहीं तो, दिस इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सर क्या ये हम लोग को याद करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, थोड़ा भद्दा है, थोड़ा क्या, बहुत भद्दा फॉर्मूला है, बट जो है सो है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो तुम लोग ये चीज याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है, हम लोग ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कर रहे हैं क्योंकि गिवन वी आर ब्रिज्ड होता है, इसलिए ये हम लोग 1/(1-x) करते हैं। यहाँ इसका नीचे का ये सिग्मा कहाँ गया, तो इसको तरीका सिंपल है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ पे सिग्मा होना चाहिए था, तो फॉर्मूला एकदम सेम हो गया। तो इसको हम लोग हटा दिए, इसको हम लोग हटा दिए, तो यहाँ पे सिग्मा रह गया एक ठो और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे छप के आ गया। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है, इसका डेरिवेशन ना मेरे को आता है ना दरकार है, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एनी डाउट हियर?
तो और जरूरी नहीं है कि जेड का तुम लोग को हर समय निकालना ही पड़ेगा, मतलब एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, बहुत बार मतलब जेड दिया हुआ ही रहता है हम लोग को, जेड इक्वल्स टू 1.65 होगा 95% है, या 99% है तो 2.33 होगा, जेड दिया हुआ ही रहता है। तो यहाँ पे इस चीज में नहीं जाना है तुम लोग को, तो थोड़ा इजी हो जाता है टास्क। तो ये है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, इसमें भी बुक में कैलकुलेशन दिया हुआ है यूजिंग द सेम नंबर्स एज अबव, जो था 100 मिलियन का पोर्टफोलियो है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.0125 है, दैट इज 1.25%, एंड देन 95% एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालो। तो अगर वो हम लोग करें विद द म्यू, म्यू को मैं 0 ही ले ले रहा हूँ, नहीं लेना है कुछ, तो कर रहे हैं म्यू को हम लोग एक बार 0 पकड़ लेते हैं, सिग्मा इज 0.0125, और वैल्यू वही है 100 मिलियन का, यस एट दैट 95%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 95% VAR के ऊपर जो भी लॉसेस है उसका एवरेज निकालो तुम लोग, गिवन वो VAR ब्रीच हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.0125 इंटू ई टू द पावर -1.65 बाय 2। हाँ जेड तो दिया हुआ है ना, जेड तो 95% का 1.65 ही आएगा है ना, दिस डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 -0.95, सेटिस्फाई करो खुद को, 95% VAR निकालना है तो 5% चांस है VAR ब्रीच होगा, तो 5% यहाँ से आएगा इंटू 2 × π, 22/7 लिखो या 3.141 होता है, थ्री पॉइंट 1416। तुम लोग इसका कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर में, क्योंकि पहले क्या करेगा, पहले इसका निकालेगा, फिर उससे ई करेगा, फिर उससे ये इंटू करेगा, फिर डिवाइड बाय 0.05 करेगा, फिर डिवाइड बाय, या तो उसको RCL1 RCL से स्टोर से करो, RCL1 और स्टोर से करो, नहीं तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा तुम लोगों को सूटेबल हो, पर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन है, तुम लोग कैलकुलेटर अगर फास्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो मैं भी करता हूँ तुम लोग के साथ चलो। तो पहले हम लोग ये पेन दे दे, पहले हम लोग ये निकालते हैं 1.65² डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सेकेंड ln 0.256 आया होगा, इसको STO1 डाल दिया, ठीक है। अब जो आंसर आया जो STO1 में था उसको इंटू 0.0125 करेंगे, उसको STO1 कर दे STO2 कर देते हैं आप, अब इसको डिवाइडेड 0.05 करेंगे, इसको STO3 कर देते हैं। अब अलग से हम लोग निकालेंगे 2 × 3.1416 का रूट 2.5 आएगा, ये STO4 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे RCL3 डिवाइड बाय RCL4 है ना, तो 0.02557 आ रहा होगा शायद आंसर, आप लोग का फाइनल आंसर। तो
जीरो पॉइंट क्या था, 0.2557 यूज़ आर सी एस टी एन आर सी एल वाइजली, और यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली. जैसे, हाँ जैसे भी तुम लोग को कंफर्ट लगे, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग राइट आंसर, तुम लोग वो यूज़ करो. किसी का होता है आर सी एल एस टी ओ करके करता है, कोई डायरेक्टली भी कर सकता है. मैं डायरेक्टली करता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाया क्योंकि मेरे को आर सी एल एस टी ओ करके थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए वैसे दिखाया, बट मैं डायरेक्टली करता है इसको. यस, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का एडवांटेज, वन मेजर एडवांटेज ओवर वी आर इज ये मैग्नीट्यूड बताता है. क्लियर? बस अब कोहेरेंट रिस्क मेजर्स बचा हुआ है, फीचर्स ऑफ गुड रिस्क मेजर, उसका कंपैरिजन वी आर और ई एस का, और एक्सपेक्टेड रिस्क मेजर मैं अभी बता दे रहा हूँ, सिंपल है. तो एक्सपेक्टेड रिस्क मेजर जो है वो ई एस का ही वो है, पापा भाई मतलब, नॉट पापा. एक्सपेक्टेड रिस्क मेजर इसका स्पेलिंग मेरे से गड़बड़ हो सकता है, बट ठीक है. मेजर जो है ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल तो तुम्हारा इक्वल वेट दे रहा है सबको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा बड़ा लॉस है उसको ज़्यादा वेट दे, और जो ज़्यादा जो जो वी आर के क्लोज लॉस है उसको कम वेट दे, ताकि और अच्छा, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव मेथड आएगा, कंजर्वेटिव लॉस आएगा. ज़्यादा लॉस आएगा तो ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए, ज़्यादा सेफ प्ले करेंगे. तो बस इसके बारे में यही लाइन लिखा है कि इट यूजेस हायर वेट्स फॉर हायर लॉसेस. ये आप लोग श्वेसर में देखोगे, इसके बारे में लिखा ही नहीं है बट कोड में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है. और इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ ऐसा है. एक्सपेक्ट ये वेट्स हो गया, नहीं, सॉरी, वेट्स यहाँ आएगा, यहाँ पे लेवल आएगा. एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. वेट्स, वेट्स यहाँ आएगा, वेट्स यहीं आएगा, यहाँ पो आएगा परसेंट, मतलब लॉस पर वो कॉन्फिडेंस. तो जो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ये सब के लिए जीरो होगा. यहाँ पे 95% है सपोज, यहाँ पे जीरो है, और ये सीधा ऊपर गया, इक्वल वेट दे दिया सबको, है ना. और यही स्पेक्ट्रल रिस्क मेजर क्या कर रहा है, ये भी जीरो 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 जा रहा है, जीरो जीरो जा रहा है. अब ये ऐसे चला जाएगा. समझ में आया वेट्स कैसे दे रहा है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? पूजा, यस, ज्वाइन ही नहीं किया ना सेकंड क्लास? ठीक है, दिस इज स्पेक्ट्रल मेजर, दिस इज यस. चलो कोई डाउट नहीं है तो फाइनल में आ जाते हैं, विच इज कोहेरेंट रिस्क मेजर्स. कोहेरेंट रिस्क मेजर्स आपको ये बताता है कि एक रिस्क मेजर का प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए एक अच्छा रिस्क मेजर का.
ये आपको कोहेरेंट रिस्क मेजर बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्क मेजर्स। तो चार प्रॉपर्टीज बोला गया है इससे। ये जो चार प्रॉपर्टीज है, ये क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें भी था शायद, यूटिलिटी या किसी में था। तो चलो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम हियर। फर्स्ट वाला चार प्रॉपर्टीज क्या है पहले ये लिख लेते हैं। नंबर वन, मोनोटोनिसिटी। नंबर टू, ट्रांसलेशन इनवेरियंस। नंबर थ्री, क्या नाम था, पॉजिटिव होमोजेनिटी, पॉजिटिव होमोजेनिटी, सब एडिटिविटी। हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ रफ्ते फिर भी। मोनोटोनिसिटी, ये तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि तुम लोग को ये एज अ रिस्क मेजर का प्रॉपर्टी सोचना है, इसको जनरलाइज मत करना कभी भी। जनरलाइज करोगे कंफ्यूज होगे, क्योंकि इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बट ये जो मोनोटोनिसिटी लिखा है, ये लिखा है कि अ पोर्टफोलियो विच परफॉर्म्स पुअरली विल हैव अ हायर रिस्क। अ पोर्टफोलियो विच हैज ऑल द फ्यूचर वैल्यूज विच इज लोअर कंपेयर टू अनदर पोर्टफोलियो विल हैव हायर रिस्क, एंड विच इन द सेंस इन समवॉट मेक सेंस इफ वी सी इन परस्पेक्टिव ऑफ रिस्क। क्योंकि रिस्क हम लोग सोचते हैं यही कि रिस्क है तो इसका वैल्यू तो कम ही आएगा ना, रिटर्न भले ही कुछ भी हो, उस पोर्टफोलियो का वैल्यू तो कम है। तो रिस्क के परस्पेक्टिव में तुम लोग सोचो, क्योंकि यहाँ पे भी तुम लोग स्वाइजर में देखिएगा लिखा हुआ है पोर्टफोलियो विद ग्रेटर फ्यूचर रिटर्न्स विल लाइकली हैव लेस रिस्क। तो ये बहुत ही गलत लगा था मेरे को, हम भी कंफ्यूज हो गया था कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा और पढ़ा इसके बारे में उस समय, तो पता चला कि ये बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो जिसका वैल्यू ही कम है तो उसका रिस्क ज्यादा होगा, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा उसका जगह खा जाता है उसका वैल्यू का। और बहुत ही वो है, बेकार ये मोनोटोनिसिटी है, तो इसलिए इसको उतना वो याद भी नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं था। ये सबसे बेस्ट रिस्क मेजर है इसका सब एडिटिविटी। इस मोनोटोनिसिटी क्लियर है सबको, इसको रिस्क के पर्सपेक्टिव में सोचो, रिटर्न के पर्सपेक्टिव में मत सोचना कभी भी। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इनवेरियंस। ट्रांसलेशन इनवेरियंस बोलता है कि एक रिस्क मेजर को कब कम होना चाहिए। एक रिस्क मेजर है, अगर हम लोग उसमें कैश ऐड करते हैं जो श्योर शॉर्ट अमाउंट है, जिसमें नुकसान का कोई चांस नहीं है, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी ऐड करते हैं, सपोज कैश हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, तो एक रिस्क मेजर को कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्क मेजर का सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कुछ भी हम लोग अगर श्योर शॉर्ट अमाउंट ऐड करें विच इज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो हमेशा रिस्क मेजर का वैल्यू कम ना चाहिए, उस पोर्टफोलियो का रिस्कीनेस कम होना चाहिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका। क्या पॉइंटर्स, अगर मैं इसको उसके पर्सपेक्टिव में दिखाऊं, क्योंकि कैश एज अ कैपिटल ऐड करता है, तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना कम रिस्क होगा, राइट। तो इफ वी ऐड कैश रिस्क फॉल्स, बस ये लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। बुक में नोटेशंस है, नोटेशंस मैं नहीं लिखा रहा हूँ कॉपी में। इसमें
Higher. Future value, lower risk, पॉजिटिव होमोजेनिटी. पॉजिटिव होमोजेनिटी बोलता है कि तुम्हारा रिस्क मेजर जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उतना बड़ा रिस्क मतलब मेजर आना चाहिए, उतना बड़ा मेजर. मेरे पास 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, गरिमा के पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो गरिमा का रिस्क मेजर बड़ा होगा, है ना? तो दिस इज व्हाट पॉजिटिव होमोजेनिटी इज. ये बोलता है कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो को आधा कर ले इंटू 1/2 इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू, तो रिस्क को भी आधा हो जाना चाहिए, रिस्क मेजर का वैल्यू भी. बहुत ही अपसर्ड ये सब है, मतलब हम लोग सोचते नहीं है, बट हाँ होना चाहिए ऐसा. हम लोग इस लाइन में कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, बट या दिस इज व्हाट इट इज. रिस्क मेजर का गुड, रिस्क मेजर का प्रॉपर्टीज. लास्ट सब एडिटिविटी. सब एडिटिविटी में अपना आता है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. अब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या है, हम लोग पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास का सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, नॉट फर्स्ट क्लास का, आज का फर्स्ट क्लास का सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे कि देयर इज द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज. इफ द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज इज लेस देन वन, इफ द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज ए एंड बी इज लेस देन वन, तो सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो विल बी लेस देन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, है ना? क्योंकि सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी कब होगा, मैं इसका बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को. हम लोग ने क्या लिखा था फॉर्मूला फटाफट, एक वेट ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए वेट सिग्मा ए सिग्मा इंटू कोरिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन के टर्म्स में समझते हैं. अब अगर ये वन है, ठीक है, अगर ये वन है और हम लोग ये सिग्मा स्क्वायर निकाले हैं, हाँ, अब सिग्मा लिखते हैं सीधा, तो वेट ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू सिग्मा ए इंटू वेट बी इंटू सिग्मा बी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. तो लिख लिए, वन का तो इंटू वन होगा, वो गया खत्म, और इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, अब इसको हम लोग येलो नहीं ना, इसको हम लोग ये पूरा टर्म को एक्स समझते हैं, इसको वाई समझते हैं. एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, तो मतलब एक्चुअली रुको, तुम लोग इसको यहाँ लिखना नोट्स में, इस पूरा टर्म को एक्स पकड़ते हैं, इस पूरा टर्म को वाई पकड़ते हैं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं. एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये, तो एक्स प्लस वाई आ गया. तो अगर कोरिलेशन वन हुआ तो हम लोग दोनों का सिग्मा को सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी लिख सकते हैं. वेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ पे भी वेट होगा, यहाँ पे भी वेट होगा, बट अपना कंसर्न है सिग्मा ए सिग्मा बी अभी. ठीक है, तो जब पोर्टफोलियो कोरिलेशन, जब कोरिलेशन वन होता है पोर्टफोलियो का, तभी हम लोग दोनों का ऐड करते हैं, और अगर वन से तो कम ही होता है कोरिलेशन, वन से तो ज़्यादा जा नहीं सकता है,
तो जब भी वन से कम होता है देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट एंड पोर्टफोलियो का सिग्मा इज लेस देन सम ऑफ सिग्मा ए एंड सिग्मा बी. तो ये जो है दिस इज सब एडिटिविटी. सब एडिटिविटी में बस क्या है, एक और लाइन एडेड है ये, क्योंकि वन को हम लोग वन का प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करते हैं. तो सब एडिटिविटी बोलता है कि पोर्टफोलियो का रिस्कीनेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ रिस्कीनेस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन इट. दिस इज वॉट सब एडिटिविटी इज. एनी क्वेश्चंस? सम ऑफ ऑल सिक्योर रिस्कीनेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज. इतना वो मत लिखो ना, ये लिख लो, ये तो समझ में ही आ रहा है. दो सिक्योरिटी है सिग्मा पी लेस देन, ये सब तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, कॉपी तुम बनाओ ताकि तुम नोटेशन से समझो. तो ये चार प्रॉपर्टीज है ऑफ रिस्क मेजर. नाउ रिस्क मेजर का प्रॉपर्टीज आ गया. अब वी ए आर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल बोलता है, वी ए आर पहला तीन प्रॉपर्टीज को मानता है. ऊपर चलते हैं. वी ए आर पहला तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है बट ये नहीं करता है. पर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल और स्पेक्ट्रल रिस्क मेजर जो भाई है उसका, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तो इन दिस वे ऑल्सो ई एस इज बेटर देन वी ए आर. वी ए आर सब एडिटिविटी को नहीं मानता है, वी आर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं समझता है, बट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल समझता है. आई थिंक यही है. और आई थिंक सो सिंस एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल फुलफिल कर रहा है सारा इसको, तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज अ बेटर मेजर फॉर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं? पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारा पोर्टफोलियोज रिव्यू कर रहे हैं और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जो अपने हिसाब से बेस्ट सूटेबल होगा. अगर लीस्ट रिस्कीनेस देख रहे हैं, मैक्सिमम रिटर्न देख रहे हैं, या कोई रिटर्न रिस्क का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. तो हम लोग के हिसाब से जो बेस्ट पोर्टफोलियो होगा वो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हम लोग को बेटर हेल्प करेगा देन वी ए आर. तो इन दीज वेज ES is better than VAR. अगर मैं लिखाना चाहूं ये how is ES better than VAR, ES why? Magnitude of loss. Yes. Yes मतलब yes बताता है, ठीक है. सब additivity. Yes. Better option for portfolio optimization. इसमें एक टर्म यूज किया है as ES is convex measure.
ये कॉन्वेक्स मेजर का मैं आज पढ़ रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट है समझना और ये बहुत इन डेप्थ जाता है, सो आई वोंट सजेस्ट यू राइट नाउ। इट्स बेटर यू मतलब जस्ट रिमेम्बर कि यस इज़ अ कॉन्वेक्स मेजर। अगर वो बोलेगा तो यही बोलेगा, वाई इट इज़ अ कॉन्वेक्स मेजर, बिकॉज इट इंक्लूड्स सब एडिटिविटी, सब एडिटिव की वजह से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और एक है पॉइंट, ईएस लो रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस, ये चार पॉइंट दिया हुआ है कि वाई ईएस इज बेटर देन वीएआर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई एस स्पेक्ट्रल मेजर्स, वी ए आर एंड कोहेरेंट रिस्क मेजर्स। आई डोंट थिंक कुछ इश्यूज होना चाहिए, एंड हुआ तो मोस्ट वेलकम। पूजा कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकती है। एंड आई थिंक व्हाट्स द टाइम, आई हैव सम टाइम, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है क्लास को। थोड़ा बहुत सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कराते हैं, चलो सेकेंड चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फॉरवर्ड्स एंड कॉल्स पढ़ते हैं, मज़ा भी आएगा। तुम लोगों को तो आता ही होगा ऐसे भी, फॉरवर्ड्स एंड कॉल्स। हाँ ठीक है, चैप्टर 2 टच कर लेते थोड़ा, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, देन विल कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू एट 14:58, नो 56, 3-4 मिनट ही।
तुम लोग के पास वीआरएम का स्ट्राइजर नोट्स नहीं है ना? इससे कुछ क्वेश्चंस करा देता ना स्ट्राइजर से, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेता हूँ, इसका कुछ कराने लायक है तो इसका क्वेश्चंस करा दूंगा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। तुम लोग कल वाला क्वेश्चंस सब सॉल्व थोड़ी किया था, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आज के लिए कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं, मतलब होगा तो सही, बट देखता हूँ कैसा है क्या है। बहुत टाइम फ्यू, बहुत बार नेक्स्ट चैप्टर्स पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, लेट्स डेल्व इन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस इंस्टेड फ्रॉम द AIQ फोरम। सो आई विल राइट द आईडी व्हिच आई एम रेफरिंग टू, यू कैन ओपन इट इन योर लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स व्हिच एवर यू फील कंफर्टेबल विद। सो आई विल राइट द आईडीज एंड विल सी द क्वेश्चंस थ्रू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना डू इज आई एम राइटिंग द लास्ट 5 डिजिट्स, सो इट्स 09530 FRM 10। अच्छा मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। FRM 10095 30। खोल लिया सबने? पूजा तुम खोल ली क्वेश्चंस? या शिवम, वी आर डूइंग क्वेश्चंस राइट नाउ। सो मैंने एक लिखा है, एक काम करना, चैट में क्वेश्चन का आईडी लिख देना पाओ शिवम, सेंस यू कैन फॉलो।
कौन सा? हाँ, कोहेरेंट रिस्क मेजर्स का। मैं कैलकुलेटर कुछ और पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ करूँ। सो उसमें बोला है कि बोथ पीए, फर्स्ट वाला देखो, बोथ पीएआर एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आर स्पेक्ट्रल मेजर्स, इज इट सो? स्पेक्ट्रल मेजर किसका भाई था? पूजा इज आस्किंग फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकंड। पूजा एक बार कंफर्म करना, फिर तुम्हारा क्वेश्चन खुल गया था। कंटिन्यू। सो कहाँ गया क्वेश्चन? सो फर्स्ट वाला इज बोथ वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल्स आर स्पेक्ट्रल मेजर्स। ओके सो इट विल बी ट्रू आई थिंक। हाँ, इट इज ट्रू। स्पेक्ट्रल मेजर्स, स्पेक्ट्रल मेजर्स, वी आर को भी स्पेक्ट्रल मेजर्स बोलते हैं क्या? ठीक है, लेट मी सी। ये मैं एक बार कंफर्म करके बोलूँगा, स्पेक्ट्रल मेजर्स, शायद मेरा भी कुछ गड़बड़ हुआ है। सो वन इज ट्रू मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सेकेंड वाला इज फॉल्स। नीदर वी आर नॉर ई एस आर कोहेरेंट। कोहेरेंट तो एक होता है, ई एस इज कोहेरेंट, तो इसलिए मेरे को पता चला कि वन इज ट्रू। सो आई विल सी मतलब क्यों स्पेक्ट्रल मेजर्स, स्पेक्ट्रल मेजर्स में मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है। एंड थर्ड वाला देखते हैं। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल गिव्स ऑल वेट्स टू टेल रीजियन एन इक्वल वेट, विच इम्प्लाइज द यूजर इज रिस्क न्यूट्रल, राइट? अकॉर्डिंग टू डाउट, द बेस्ट रिस्क मेजर वुड रिफ्लेक्ट यूजर्स रिस्क अवर्जन एंड देयरफॉर एम्प्लॉय अ वेटिंग फंक्शन दैट असाइन्स हायर वेट्स टू ग्रेटर लॉसेस, बट नीदर वी आर नॉट ई एस रिफ्लेक्ट्स दिस रिस्क अवर्जन, विच इज ट्रू, जो मैंने कहा था लास्ट में। तो इसलिए बी इज फॉल्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ये सब है, मतलब क्रेडिट रिस्क का ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन। रिबेका हैज डिटरमाइंड दैट हर पोर्टफोलियो शुड बी, क्या मेरे को क्वेश्चंस ना इसमें सॉर्ट करना पड़ेगा? सब मेरे को ईडीएफ, एलजीडी ये सब ही दिख रहा है ज़्यादातर। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस जो तुम लोग का किया वही नहीं है अभी तक, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और ये सब, तो मैं करा भी नहीं सकूँगा। मैं देख रहा हूँ। कैपिटल मार्केट लाइन भी है, बट तुम लोग का कैपिटल मार्केट लाइन भी नहीं किया हुआ है। इट इज़ पार्ट ऑफ, वैसे से मॉडल, ये सब कहाँ से दे दिया यार? मतलब फिल्टर ठीक से काम नहीं कर रहे या तो। ठीक है, लेट्स कीप इट क्वेश्चंस, लेट्स कीप इट हियर। इट्स नो पॉइंट डूइंग क्वेश्चंस राइट नाउ, क्योंकि सब फ्यूचर चैप्टर से वेस्ट है। मैं एक दो चैप्टर और करा दूंगा, फिर साथ में ही क्वेश्चंस कराऊंगा।
क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मतलब दूसरा चैप्टर से भी बेस्ड है, कुछ चैप्टर 5 से भी क्वेश्चंस है, कुछ 6 से भी है, कुछ 7 से भी क्वेश्चंस है जो मैंने फिल्टर लगाया उस पर देखा। तो इंस्टेड आई विल सी इफ आई कैन फिल्टर सम क्वेश्चंस आउट। आई हैडेंट फिल्टर्ड एनी क्वेश्चंस आउट। आई थॉट दैट आई कंटिन्यू विद चैप्टर 2, बट इट डजेंट मेक सेंस टू कंटिन्यू विद चैप्टर 2 एज वेल गिवन वी हैव ऑलरेडी रीच द टाइम। सो या लेट्स कीप इट टिल हियर टुडे। आज जल्दी छुट्टी हो गया तुम लोग का, सो एंजॉय एंजॉय योर वीकेंड्स। विल मीट नेक्स्ट वीक। कल कोई क्लास नहीं होगा मेरा, श्योर है ये तो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास कब है।